मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में। बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्होंने सरकार पर भरोसा किया जिसके बाद उन्हें बदले में मिला धोखा। ये जो बैनर है बड़ा दिलचस्प है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से किसी भाई की डिग्री, हमारे ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से डिग्री है, मतलब तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, NIT राउरकेला से डिग्री है, IIT खड़गपुर से डिग्री है, सब लोग इसको सराह रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को, हमारे काम को सब लोग सराह रहे हैं। सराहने से रसोई में रोटी नहीं आती। जो IIT NIIT वहाँ से पढ़कर अगर ये लोग, हम लोग अगर सड़क पे हैं तो आज आप किसको मोटिवेट करेंगे कि बच्चे को IIT NIIT में कहीं पढ़ना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम आवाज़ और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। पूरे देश में होली को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी बीच मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में, जहां पर कुछ छात्र, कुछ युवा यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्होंने सरकार पर भरोसा किया जिसके बाद उन्हें बदले में मिला धोखा। ऐसे में जब मैं बेरोजगार शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो आपकी जानिब में ये चीज़ ज़रूर आती होगी कि शायद पढ़ाई लिखाई नहीं की गई होगी, शायद बढ़िया संस्थानों से पढ़ाई नहीं की गई होगी, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उसमें से लगभग 99% लोग IIT और NIIT देश के उच्च संस्थानों से पढ़कर आए हुए हैं। यहाँ पर मैं कुछ लोगों से बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि दरअसल पूरी समस्या जो है वो शुरू कहाँ से हुई। देखिए, एक आम युवक की तरह आप मुझे ये बताइएगा, मैं बिल्कुल इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता हूँ, आप मुझे पूरी बात बताइए कि समस्या की शुरुआत दरअसल हुई कहाँ से। जी, मैं मयंक कुमार राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। सन 2017 में भारत सरकार के द्वारा टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1554 शिक्षकों की भर्ती कराई गई थी, जिसमें से भारतवर्ष के 12 विभिन्न राज्यों के विभिन्न अभियांत्रिकी संस्थानों में हम सभी 1554 चयनित सहायक प्राध्यापकों को भेजा गया था। यह टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। तो जब हम लोगों को इस प्रोजेक्ट में विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजेज में भेजा गया था, वहां पर शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई थी। बिल्कुल, ये बताइए, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम था ये, तो ऐसे में जब क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो ये तो निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, तो ऐसे में सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि इसको यहीं पर रोक देना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, रिन्यू क्यों नहीं किया गया? देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है कि ये टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ये एक रिहैबिलिटेशन प्लान की तरह ये सरकार ने लाया था, और ये सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा वो होता है जैसे जिसके पास रोजगार नहीं है और वो रोजगार मांगने के लिए लगा हुआ है, बट यहाँ लोग रोजगार युक्त थे, अभी रोजगार मुक्त होने जा रहे हैं। कारण ये है कि इसमें से ज़्यादातर लोग बहुत ही एनर्जाइज और इंथुजियास्टिक लोग IITs NITs के बिल्कुल फ्रेशर थे। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिस समय लोग ज्वाइन किए उनके पास कई सारे ऑप्शन थे, कुछ लोगों की IITs से PhD चल रही थी, कुछ लोग ज्वाइन करने वाले थे, कुछ लोग फॉरेन निकलने वाले थे, कुछ लोग MNCs में काम करते थे या फिर उसको ज्वाइन कर सकते थे, सारे ऑप्शन थे। बट एक इसका एक अच्छा पैकेज था, हमारे IITs NITs के प्रोफेसर्स ने भी इस पे बहुत बल दिया कि बेटा एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था और एक देशभक्ति की भावना से लोग इस प्रोजेक्ट में जुड़े और ज्वाइन किए। बहुत अच्छा, बच्चों का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुआ है। 2017 अप्रैल में ये जो प्रोग्राम था इसकी शुरुआत की गई थी, शुरुआत के बाद से लगातार जो यहाँ पर लोग आपको दिख रहे हैं, इन्होंने तमाम वो काम किए जिससे सुधार लाया जा सके, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। कुछ मैम है, उनसे बात करना चाहूँगा। मैम, ये बताइए, जब आप अपने छात्रों को पढ़ाती तब उनको मोटिवेशन मिलता था कि ठीक है, अब जब वो आप खुद इस तरीके से परेशान नजर आ रही हैं तो वो कितना डिमोटिवेट होते हैं? एग्जैक्टली ये बात है, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग रिसर्च के लिए कुछ करें, हायर स्टडीज में जाना चाहिए स्टूडेंट्स को, तो अगर वो हमें देखेंगे लाइक हायर स्टडीज NITs और IITs से हैं सब लोग और इंडिया में इन सबको बहुत बेस्ट माना जाता है, तो उन लोगों के मन में भी कहीं डाउट आ जाएगा कि अगर मैं 2 साल अगर MTech करते हैं या MA करते हैं तो उन लोगों को डाउट आ जाएगा कि इन लोगों ने भी तो IIT से किया है, इन लोगों का अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, इन लोगों को अपनी शिक्षा नीति जो है वो रोज़गार नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, तो हमारा क्या होगा, हम क्यों अपने 2 साल या 3 साल जो भी हैं वो वेस्ट करें। मैम, छला हुआ सा महसूस होता है, क्योंकि आप जब आए आज यहाँ पर हैं तो छला हुआ सा महसूस होता है कि इतने अच्छे संस्थान से पढ़ने के बावजूद आज इस तरीके की जो हालात मुझे देखने पड़ रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली ऐसे लग रहा है जैसे PIP में लिखा हुआ है, अभी सर ने बताया था, सब लोग वही पढ़ के यहाँ पे आए थे और वो इस नीति से आए थे कि हाँ हम लोग अपने जॉब के साथ साथ देश के लिए भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि शिक्षा किसी भी देश की इम्प्रूवमेंट के लिए
एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो वो आपके कंट्री को इम्प्रूव करने में बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले करती है। जी बिल्कुल, देखिए लिटरेसी रेट को लेकर लगातार जो आंकड़े हम लोगों को दिखाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तमाम तरीकों के जो ग्राफ्स हैं उनकी मदद से समझाने की कोशिश की जाती है क्या लिटरेसी रेट में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जब यहाँ पर इस तरीके से यही लोग इस परेशानी नज़र आएगी, इधर आइए, आप भी काफ़ी देर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ब्रेन ड्रेन को लेकर गवर्नमेंट कहती है बड़ी समस्या है, माइग्रेशन भी बड़ी समस्या बताई जाती है, लेकिन अगर इस तरीके के हालात बने और पूरा देश इन तस्वीरों को देखेगा तो इससे क्या मिलेगा उसको, क्या समझ आएगा उसको? देखो दो चीज़ें हैं, जैसे अभी हमारा ही एग्जांपल ले लीजिए, जब मैं पीएचडी नहीं मैं पोस्ट डॉक कर रहा था। पोस्ट डॉक कर रहे थे आप, तो फिर आप जो आपके आज हालात हैं जिस तरीके से आप सड़क पर जो धरना दे रहे हैं, इससे बेहतर तो ये था कि तभी विदेश निकल जाते। उस समय मेरे पास ऑप्शन भी था कि मैं विदेश चला जाता, विदेश जाने का ऑप्शन था, लेकिन हमारे जो जिनके अंडर में मैं काम कर रहा था सुपरवाइजर ने, उन्होंने कहा कि आप जो देश की नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा योजना थी कि हमारे देश का आईआईटी एनआईटी में हम करोड़ों रुपए अपने स्टूडेंट पे खर्च करते हैं, एक अच्छा सा टैलेंट तैयार करते हैं, हमारा टैलेंट बाहर विदेश चला जा रहा है। अब उस टैलेंट को रोकना सरकार की पहले ये प्राथमिकता थी कि वो टैलेंट देश में सेवा करे, देश सेवा करे। आप मोदी जी के बहुत सारे भाषणों में कलाम जी का एग्जाम्पल देते हैं कि देश की सेवा की है और ये किए, तो हमारे सर ने हमें ये चीज़ें किया कि आपको बहुत देश के पिछड़े क्षेत्रों में काम करना है, पिछड़े क्षेत्र यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में जैसे बिहार के बहुत सारे क्षेत्र जहाँ पे जाना ही मुश्किल था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कोई आईआईटीएन या एनआईटीएन इतने पिछड़े क्षेत्र में जाके काम करेगा, लेकिन भाजपा सरकार की नीति थी, उस पर लोगों को ट्रस्ट था। आज भी हमें भाजपा सरकार पर पूरा विश्वास है, उसी विश्वास के कारण हम यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। हमें आज भी उम्मीद है कि भारत सरकार हमारी बात सुनेगी, माननीय हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे, हमें टाइम देंगे, हमें 10 मिनट का टाइम दे दें जिससे हम अपनी बात उनके पास रख सकें। बिल्कुल, देखिए शिक्षा मंत्री जी 10 मिनट का समय मांग रहे हैं, अपनी बात रख लेंगे। इससे पहले मैं दूसरी जगह आऊँ, इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर कि इस तरीके की परेशानियों के बीच हमें बैनर पोस्टर बड़े दिखते हैं। यहाँ पर एक भाई है हमारे, वो ये पकड़े हुए, इस पर लिखा हुआ है आईआईटी और एनआईटी की डिग्री के बावजूद हम 31 मार्च 2021 के बाद बेरोजगार हो जाएंगे, 31 मार्च 2021 के बाद बेरोजगार हो जाएंगे, इस पर थोड़ा समझाएं। सर मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने जैसे 2017 से आईआईटी कानपुर से एमएससी का डिग्री किया मैथमेटिक्स से, तो मेरे पास पीएचडी करने का भी मौका था, मेरे पास अच्छा रोज़गार मिल जाता 5 साल के लिए, तो लेकिन मैंने इस एमबीसीएस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, इसमें अच्छा सैलरी था और मुझे फ्यूचर भी इसमें दिख रहा था। लेकिन अभी 31 मार्च के बाद देख पा रहा हूँ कि इसमें हम इसके बाद तो बेरोजगारी हैं और रोड पे आ रहे हैं बिल्कुल, इसी कारण से यहाँ। ठीक है, एक बात बिल्कुल आपकी बात भी सुनूंगा, एक बात और जोड़ना चाहूंगा, इतनी भीषण गर्मी है कब तक टिक पाइएगा? मैं जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम लोग यहीं हैं, और होली हो या होली के बाद भी हम लोग बने रहेंगे जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलता है। कोशिशें क्या क्या की गई अभी तक आपकी एक डायलॉग बैठाने के लिए? हम लोग निरंतर सरकार से ये विनती कर रहे हैं कि हम लोगों को ये पूरी तरह से आश्वस्त किया जाए कि हम लोगों की नौकरी आगे जारी रहेगी और साथ साथ हमारे नियमितीकरण की प्रक्रिया होगी, क्योंकि हम लोगों के लिए जो कुछ सरकार की अपेक्षा थी उस पर हम लोग खड़े उतरे हैं, और साथ में हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए ताकि हम लोग यहाँ से अपना खुश यहाँ से हम लोग होली मनाने के लिए जा सकें। बिल्कुल, देखिए नीति आयोग और बाकी तमाम एजेंसियों ने भी आपकी तारीफ की थी, इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर ये हालात। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिर्फ ये 1554 फैकल्टीज़ की बात नहीं है, हमसे जुड़े लाखों स्टूडेंट्स हैं, और लाखों स्टूडेंट्स का एक फ्यूचर एक तरीके से उनका भी काफ़ी अफेक्ट्स होगा। दूसरी चीज़ें, आजकल सरकार की सबसे बड़ी जो जोर है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल टीचर्स का है। आज जगह जगह पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज को लेकर अवेयरनेस फैलाए जा रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, लेकिन अगर टीचर नहीं रहेगा तो उसके आउटकम्स कैसे पूरे होंगे? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार इस चीज़ को संज्ञान में ले और हम लोगों की विनती सुने और इसके लिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हम लोगों को जल्द से जल्द निर्गत करें। बिल्कुल, देखिए जब हम टीवियों पर देखते हैं तो हम लोगों को दिखती हैं बंगाल की तस्वीरें, जब हम टीवी पर देखते हैं तो हमको दिखती है भारतीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश पहुंचे वो तस्वीरें, लेकिन जो असली तस्वीर है वो दरअसल भारत के इस कोने में दिखती है जहां दिल्ली के तमाम दरवाज़ों पर जहां किसान मौजूद हैं, वहीं दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे यहां पर वो लोग हैं जो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद आज सड़क पर इतनी धूप के नीचे आकर अपने जो शरीर है उसको तपस दे रहे हैं। जी बताइए क्या कहेंगे? अभी जैसा कि आपको मालूम है होली का त्यौहार है, ये कोरोना पेंडेमिक है,
ऐसे माहौल में जो शिक्षक अपने क्लासरूम में होने चाहिए थे, रिसर्च लैब में होने चाहिए थे, हम यहाँ अपने परिवार को छोड़ करके हम यहाँ पे सड़क पे आज बैठे हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि शिक्षा मंत्री जी और ये सरकार हमारी मांग सुनेगी और हमें बेरोज़गार होने से हमें बचाएगी 31 मार्च के बाद, क्योंकि MOU में ऐसा लिखा था कि वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज विल बी रिटेन्ड आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो, और जिसके कारण हम लोग ऐसे 1554 हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज जो इस प्रोजेक्ट से और इस विजन से जो उस समय शिक्षा मंत्री हमारे MHRD मिनिस्टर जो माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी थे उनके विजन से हम लोग जुड़े थे, तो ये जैसा हमारे साथियों ने कहा 1554 फैकल्टीज की बात नहीं है, ये उनके परिवार 1554 परिवार की बात नहीं है, लाखों स्टूडेंट के भविष्य की बात है और हमारे भविष्य की भी बात है कि ये समाज में सोसाइटी में क्या मैसेज जाएगा, जो इतने पढ़े लिखे हैं मास्टर्स और PhD जो मानक माने जाते हैं देश में हमारे संस्थान जो IIT NITs वहाँ से पढ़कर अगर ये लोग हम लोग अगर सड़क पे हैं तो आज आप किसको मोटिवेट करेंगे कि बच्चे को IIT NITs में कहीं पढ़ना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए। बिल्कुल, जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था, थोड़ा सा इन चीज़ पे जानने की कोशिश कर रहा था, तो एक चीज़ जानने को मिली मुझे कि आपके पढ़ाए हुए जो छात्र हैं वही लोग गेट निकाल रहे हैं और ये लेवल भी बढ़ा है धीरे धीरे से, तो ये जब छात्र जब तरक्की कर रहा है तो इससे फिर सरकार को ये चीज़ क्यों नहीं दिखती? दिख रही है, सबको मालूम है, सब लोगों ने सराहा है, सारे मंत्रियों ने सराहा है, हमारे प्रोफेसर्स स्टूडेंट सब लोग इसको सराह रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को हमारे काम को सब लोग सराह रहे हैं, बस यही है कि कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए, ना तो राज्य सरकार के पास ना तो केंद्र सरकार के पास, तो हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित करें जिसके कारण जो लाखों स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो। सराहने से रसोई में रोटी नहीं आती। अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं? जी, जैसे कि आपने पहले पूछा था कि छला हुआ सा महसूस किया है, बाकी मेरे साथियों ने बताया, तो सरकार के पास जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो सरकार के पास पूरी एक जो इसका ब्लूप्रिंट है उनको पता था इन प्राध्यापकों का क्या करना है। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो उनके पास पूरी उन्होंने योजना बनाई थी, शायद उसी के अंतर्गत MOU साइन किए सभी राज्य सरकारों के साथ, और इसी कारण हम अभी भी आसान्वित हैं, मतलब पिछले 3 वर्षों से हम आसान्वित हैं कि सरकार चूंकि जानती थी कि इनका कुछ भविष्य में करना है और वो इस दिशा में करेंगे। केंद्र सरकार ने अभी तक अपनी तरफ से जिम्मेदारियों को निभाया है, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हटी हैं, जो भी MOU साइन हुआ है उसके वादा खिलाफी कर रही हैं और उस चीज़ का पालन नहीं कर रही हैं। आपने कहाँ से पढ़ाई की थी? जी, मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली से मैंने BTech किया है और अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से मैंने MTech किया है। अगर यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता फिर क्या करेंगे? जी, मैं 2017 में निकला था MTech करके और जस्ट उसी साल ये प्रोजेक्ट आया था। मेरे पास उसी वक्त ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं PhD के लिए सीधा चला जाता, लेकिन जस्ट उसी साल ये प्रोजेक्ट आया और जो भी मेरे गाइड थे उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कि भारत सरकार के एक इतने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में आप जो है जा सकते हैं। बिल्कुल, एक सामान्य दर्शक के रूप में मैं ये चीज़ नहीं समझ पाता कि परेशानी कहाँ पर आ रही है, कहाँ पर डेडलॉक कहाँ पर बन रहा है कि आप और गवर्नमेंट के बीच जो है एक डायलॉग स्थापित नहीं हो पा रहा, कहाँ प्रॉब्लम आती है? सामान्य दर्शक के रूप में मैं जानना चाहता हूँ। सर, डायलॉग की ये बात है कि अभी तक हमारी मिनिस्ट्री लेवल पे बात हुई है, माननीय डायरेक्टर, माननीय एडिशनल सेक्रेटरी जी, हमारी बात हुई है, तो ऐसा नहीं डेडलॉक है हम केवल। और दूसरा बात यह है कि यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं ये सभी हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। हम केंद्र सरकार भी जानती है, राज्य सरकार भी जानती है, हम उनके ही आदमी हैं, उनके ही लोग हैं जिन्होंने उनके लिए ही काम किया है 3 साल। अपने बच्चों के साथ कहाँ कोई ऐसा करता है कि सड़क पे ले आए? सर, सड़क पे ठीक है, हम डर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे दिल्ली में आए। उन्हीं के लोग हैं तो फिर डर क्यों रहे हैं? डर इसलिए रहे हैं कि अभी तक जो हमसे बोला जा रहा है कि 31 मार्च को आप नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम उससे ये कह रहे हैं कि हमारे घर से भी फ़ोन आ रहे हैं कि होली पे आओगे कि नहीं आओगे, तो हमने उनसे ये कहा है कि जब लेटर हमें मिल जाएगा उसके बाद होली भी होगी, दीपावली भी होगी। हम केवल इसके लिए हमें आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आप 31 मार्च को नहीं जा रहे हैं, और हमें अच्छा भी लग रहा है कि सरकार हमारे लिए चिंतित है, लेकिन हम उनसे केवल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर हमें लेटर दे दो, सो दैट हम भी होली पे जाना चाहते हैं, अच्छे से जाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ जाना। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही इस भाई ने कि ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये दरअसल एक रिक्वेस्ट है। ये जो बैनर है बड़ा दिलचस्प है, इस पर लग रहा है मुझे कि डिग्रियां लगा रखी हैं, डिग्रियां चस्पा कर रखी हैं। अपनी पास से दिखाएंगे इनको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से किसी भाई की डिग्री है, हमारे ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से डिग्री है, मतलब तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, NIT राउरकेला से डिग्री है, IIT खड़गपुर से डिग्री है, तो ये डिग्रियाँ दिखा रही है। और इन डिग्रियों के पीछे भी अगर युवा सड़क पर है तो इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा यहाँ पर पूरा, अपने दाएं जानेब दिखा सकूँ कि कितने लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर सब कुछ, परसों होली है जहाँ पूरा देश जो है तैयारियों में लीन है, तैयारियाँ कर रहा है, वहीं यहाँ पर देखिए मेरे दाएं जानेब आप देख सकते हैं
कि कितने लोग जो है बैठे हुए हैं, और ये वही लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सपना दिखाया, एक जो स्कीम थी उसके तहत वो लोग आए, एक प्रोग्राम की शुरुआत करी, लेकिन उस प्रोग्राम को बीच में कहीं ना कहीं हॉल्ट जैसी स्थिति बना दी गई है। इस क्योंकि एक चीज़ समझ से थोड़ी सी परे है कि अगर कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात की जाती है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के नाम पर अगर कोई प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया जाता है, तो ऐसे में ये तो लगातार निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होनी चाहिए। इसको बीच में रोक कर इन लोगों को इस तरीके से परेशान करना, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता। वी आर द क्वालिटी फैकल्टी नॉट गार्बेज। आप क्वालिटी फैकल्टी हैं, गार्बेज नहीं है, ये बात मेरे को भी समझ में आती है, और जो तमाम रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं तो उससे भी समझ में आता है कि आपके द्वारा पढ़ाए गए छात्र ही आज खूब तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बाकी गेट्स क्वालिफाई कर रहा है, कोई कुछ क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसे में जब आप कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, कोई वैल्यू पुट ऑन कर रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए, देश के लिए, तो सरकार को ये चीज़ें समझने में इतनी परेशानी क्यों आ रही है? सर देखिए, फर्स्ट चीज़ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट दैट मीन्स सर, हम अपने जो भी इंस्टीट्यूट, हमें जो पिछड़े इंस्टीट्यूट में हमें भेजा गया है, वहाँ की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। और सर उसके लिए हम क्या कहते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमें CRS प्रोजेक्ट दिया गया सर, उस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीन्स सर प्रोक्योरमेंट किया, लैपटॉप है, रिसर्च पेपर से रिलेटेड है सर, सॉफ्टवेयर है, सभी कई चीज़ों को हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट किया उसका। और उसके बावजूद भी सर आज हम यहाँ पे हैं। हम अपने शिक्षा मंत्री से यही एक उम्मीद करते हैं कि सर वो 10 मिनट का टाइम दें हमें, हमारी रिक्वेस्ट को, हमें हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको समझें, हमें सर लिखित में एक आश्वासन दें कि हम, ताकि हम खुशी खुशी घर जाएं और हमें कोई डाउट ना रहे कि हाँ हमारा एक्सटेंशन हो रहा है या नहीं। जैसा कि सर पिछली बार भी एक्सटेंशन हुआ था तो उसमें सितंबर में हुआ था, तो सर 11 तारीख को हमारे पास लेटर आ चुका था, जबकि सर आज जब आपका सितंबर में जब टेन्योर पूरा होने वाला था, उससे कितने दिन पहले आपको बताया गया था? 11 तारीख को हमें बताया गया था, मतलब आप समझिए सर 20 दिन पहले हमें बताया गया था, जबकि सर आज आप देख रहे हो आगे फेस्टिवल भी है, उसके बावजूद भी सर हम लोग दिल्ली में टिके, अपने फैमिली को छोड़ के सर, कोई अपने छोटे बच्चे को लेके आए हैं, कोई अपने क्या कहते हैं माँ बाप को छोड़ के आए, मतलब पूरे तरीके से सर परेशान है यहाँ पे हम लोग। उसके बाद सर कई बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, कई बार माननीय मंत्री जी के आवास पर भी पहुँचे और कई सांसदों से भी मिले हम लोग, सभी ने सर आश्वासन दिया जो कि, और हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ सर रुके हैं कि कम से कम 10 मिनट के लिए हम लोगों को सुन लें, ताकि हम लोग भी सर खुशी खुशी हम लोग अपने घर जाएं और हम लोगों को कुछ उम्मीद से जाएं। अच्छा ये बताइए, सितंबर में जब एक्सटेंशन दिया जा रहा था तब आपने ये नहीं पूछा कि मार्च तक क्यों दिया जा रहा है, इसको उस तरीके से क्यों नहीं बढ़ा जा रहा है? जैसे 3 साल था तो 1 साल तो मिनिमम बढ़ाना चाहिए था सर। वो उनका क्या कहते हैं अपना प्रोसेस है सर, इंटरनली वो क्या कर रहे हैं, किस टाइप से मतलब अपने प्रोसेस को ले चल रहे हैं सर। जैसे 6 मंथ का उन्होंने प्रोसेस किया, इसलिए कर रहे हैं। शिक्षा का फाइनेंस से क्या लेना? नहीं, वो बजट एलोकेट करते हैं ना वर्ल्ड बैंक से जो आता है, उसका एलोकेशन वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम चल रहा है। ये जो हो रहा है 3 महीने का एक्सटेंशन, 6 महीने का एक्सटेंशन, इससे प्रोडक्टिविटी पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हर 3 महीने बाद आप सड़क पर आएंगे क्या? बिल्कुल, तो अगर गले पे तलवार लटकती हुई इस तरह दिखाई देती है तो ये बहुत ही बड़ा प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने संस्थानों में करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट्स लाया और उसके हम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। हमें दिन भर अपार्ट फ्रॉम टीचिंग हम दिन भर रिसर्च करते रहते हैं, हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल SCI जर्नल्स एंड ऑल हम पब्लिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की तलवार लटकती रहेगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है और हमारा जो मैक्सिमम है वो हम नहीं ट्राई कर पाते हैं। और इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इमीडिएट तो एक्सटेंशन जरूरी है, बट इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति बना के हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए एक कंक्रीट प्लान लाए, क्योंकि जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसके तहत ये MOU साइन हुआ था बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट कि आफ्टर प्रोजेक्ट पीरियड दे विल बी रिटेन और अनचेंज्ड। तो कहीं ना कहीं उस MOU पे अमल करना चाहिए और उस MOU से रिलेटेड 3 बार लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज को लिख दिया है। ये बात जो है मार्च 19 में लिखी गई है, फिर अगस्त 2020 में लिखा गया है, लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे विचार नहीं कर रही है। सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, ये 3-6 महीने वाला जो ये वैकेशन पे या छुट्टी मनाने तो आएंगे नहीं, तो 3-6 महीने वाली चीज़ें नहीं होना चाहिए, पुख्ता प्लान होना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे, ये बताइए, होली है परसों, आज आप यहाँ हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद एक दिन ये दिन देखेंगे, सोचा? पहले तो मैं हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूँगा कि हम लोग, हम में से कुछ लोग यहाँ आए हुए थे पहले, हम लोग वहाँ पे जो भी शिक्षा के जो संस्थानों के लिए हमें भेजा गया है उनके उत्थान के लिए हम आधे लोग वहाँ रुके हुए थे। हम जैसे एग्जाम ड्यूटी हो गई, विद्यार्थियों की पढ़ाई होगी, वो सारी चीज़ें हम संभाल रहे थे। चूँकि कल और परसों होली की छुट्टी है, इसलिए हम भी काफ़ी लोग आज नए ज्वाइन किए हैं आज यहाँ पे। तो मैं एक चंद पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा आपको,
कि 1554 घरों की होली में करुण रुदन भरी बोली में, 1554 घरों की होली में करुण रुदन भरी बोली में अपनी व्यथा सुनाऊं मैं, होली कैसे मनाऊं मैं। ये मेरी विनती है कि होली कैसे मनाऊं मैं, मंत्रियों से मेरी विनती है, बढ़ाने देश के मान को, तकनीकी शिक्षा के उत्थान को, उर्वरा करने रेगिस्तान को, संवारने पिछड़े संस्थान को, अब क्या वापस ही घर जाऊं मैं, होली कैसे मनाऊं मैं, होली कैसे मनाऊं मैं। टेक्यूब 3 की सफलता के लिए जागा मैं, जो भी टेक्यूब फैकल्टीज हैं दिन रात जाग करके टेक्यूब की सफलता के लिए काम किया, तो टेक्यूब 3 की सफलता के लिए जागा मैं, IIT से प्रशिक्षण लेने भागा मैं, सब कुछ करने के बाद में सबसे ज़्यादा अभागा मैं, 31 मार्च के बाद में क्या बेरोजगार कहलाऊँ मैं, होली कैसे मनाऊँ मैं, यहाँ पे क्यों ना आऊँ मैं। तो इसी पंक्ति के साथ मैं मेरे सारे साथियों को ज्वाइन किया और मैं यहीं पे होली मनाने का संकल्प लिया है, साथियों के साथ में होली मनाएंगे, बाकी लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कल और परसों की छुट्टी है इसलिए संस्थानों में टीचिंग का काम छुट्टी रहेगा, इसलिए सभी यहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार कविता सुनाई इन्होंने। इन्होंने कहा कि होली कैसे मनाऊँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार लोगों तक ये बात पूछे कि कैसे होली मनाएं ये लोग, इस चीज़ को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। 3-6 महीने का एक्सटेंशन आप लोगों को नहीं लगता कि बेमतलब सी बात है, ये क्या है? प्रोडक्टिविटी में जो भी हमारा आउटपुट होता है सर, बहुत इफेक्टेड होता है सर। 3 महीने आप करें फिर प्रेशर आया। 1554 लोगों की बात नहीं, उन छात्रों से आपसे डायरेक्ट रिलेटेड हैं वो लोग, उनकी भी पढ़ाई पर भी सीधा। हमारे छात्रों के जो पेरेंट्स हैं सर, वो इवन वो भी इतने मतलब चिंतित हैं कि वो चाहते हैं कि सर आगे फ्यूचर क्या होगा, जिन संस्थानों में हमने अपने बच्चों को भेजा है, अगर ये टीक्यू फैकल्टी नहीं रहेगी सर उनका क्या फ्यूचर होगा। कौन सी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है जो 3-6 महीने बाद इस तरीके से आपको भी परेशान कर रहा है, आपके छात्रों को भी परेशान कर रहा है, उनके भविष्य के साथ भी खेल रहा है, आपके भविष्य के साथ भी खेल रहा है? सस्टेनेबिलिटी प्लान तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि जिससे हमें भी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे छात्रों को भी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, जब इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, जब आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े, तब क्या बताया गया था भविष्य में? आपको पता था कि 3 साल बाद ऐसा ये कुछ होगा, या फिर आपको कुछ दिया गया था? हम लोगों ने रिटर्न डॉक्यूमेंट देखा था PIP, उसमें साफ लिखा है पोस्ट प्रोजेक्ट ये इन फैकल्टीज को स्टेट गवर्नमेंट सस्टेनेबिलिटी प्लान बना के या तो रिटेन करेंगी या एब्जॉर्ब करेंगी। तो जब हम लोगों ने रिटर्न में देखा, उस पर MOU में साइन है स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरी का, MHRD के जो यूनिट है NPIU इनके खुड़के साहब का, अब रिटर्न से ज़्यादा हम क्या मानेंगे? समस्या कहाँ से आ रही है, MHRD से आ रही है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ रही है, समस्या कहाँ से? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फोर्स नहीं कर पा रही है स्टेट को, वो कहते हैं एडवाइजरी है हम मानेंगे नहीं। स्टेट गवर्नमेंट में तो अलग अलग गवर्नमेंट होगी ना, जैसे उत्तर प्रदेश से आप लोग, सिक्किम से भी आप लोग हैं, झारखंड से भी आप लोग हैं, छत्तीसगढ़ से। MOU में साइन तो सेक्रेटरी का है ना, सेक्रेटरी तो गवर्नमेंट का है, किसी पार्टी की गवर्नमेंट हो, पार्टी से हमें नहीं कोई मतलब है। पॉलिसी मेकर तो सेक्रेटरीज हैं ना, उनको ऑब्जर्व करना है, वो तमाम हवाला देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई कह रहा है फंड नहीं है, कोई कह रहा है अभी हमारा ये रोस्टर नहीं फॉलो हुआ है, कुछ नहीं है, जिसको बहाना बनाना है तो बनाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हम रेगुलर नहीं कर सकते, ये करना स्टेट, कुछ कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप? तो दोनों कहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टाई अप से चल रहे हैं कि हम इतना शेयर करेंगे आप उतना शेयर कीजिए। ये भी प्रोजेक्ट उसी तरीके से बनाया गया था दोनों के बीच में, लेकिन स्टेट कुछ भी देने के लिए अब चाह नहीं रही है। आप भी पढ़ाते थे MITS ग्वालियर में, अपने छात्रों से अब मिलेंगे तो उन्हें कैसे मोटिवेट कर पाएंगे, जब आप खुद परेशान हैं, खुद आपके पास नौकरी का संकट है, तो अपने छात्रों को कैसे बताएंगे कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं इससे आपको बहुत बढ़िया नौकरी मिलेगी, बहुत बढ़िया भविष्य मिल जाएगा? ये तो देखिए एक निगेटिव इमेज जा रहा है, जैसा गवर्नमेंट हम लोग के साथ जैसा बिहेव कर रहे हैं, या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ये देखिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का नाम बदल के कुछ और रख देना चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है फिर बिल्कुल डाउन कर दी जा रही है, तो बताइए इसका कुछ और ही नाम रख देते हैं ना फिर। तो वो पॉलिटिशियन ही अब धर सकते हैं अपने हिसाब से, हम लोग तो कुछ भी डाल दें, लेकिन वो अब खुद सोचें ये टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं या अपने आप को इम्प्रूव हो। अगर आप 1554 लोग देश के बाहर चले गए, उनका भला कर देंगे, देश को कितना नुकसान होगा ये बात उनके समझ में आएगी बाद में। आप ये बताइए कब से यहाँ पर आए हुए, कहाँ से पढ़े थे? सर मेरा नाम कपिल कुमार है, मैं MMUT गोरखपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और मैंने IIT BHU वाराणसी से MTech किया है 2015 में। तो सर जैसे आपने पूछा कि क्या नाम रख देना चाहिए, तो मेरे दिमाग में ऐसे क्लिक किया कि डिसकंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इसका नाम रख सकते हैं, अगर इस तरह से बार बार 3-3, 6-6 महीने करके बढ़ाया जाएगा तो ये डिसकंटिन्यूटी आती क्वालिटी इंप्रूवमेंट में, क्योंकि अगर आप एक अच्छा समय हमें दे दोगे तो हम भी लग के काम करेंगे बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी मतलब हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। ठीक है, मोमेंटम टूट जाता है तो बाकी चीज़ें भी खत्म हो जाती है ना, मोमेंटम बनता है वही सर, लास्ट के मतलब 15-20 दिन या कह लीजिए 1 महीना यही कंटिन्यूसली दिमाग में आता है कि भाई आगे क्या करना है, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक टाइम है। ठीक है, बाहर कोई जॉब नहीं है, हम इससे पहले सब लोग जॉब में थे, सब लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे थे, अपने करियर में कहीं ना कहीं स्टेबल थे। ठीक है सर,
उससे छोड़ के हम यहाँ पे आए, लेकिन इस समय जो सिचुएशन है देश में उसको सरकार को समझना चाहिए कि इस समय हम कहाँ जा सकते हैं। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल। ये पहले तो ये बता दीजिए लिखा क्या है, सेव फ्यूचर ऑफ क्वालिटी इंजीनियरिंग, सेव फ्यूचर ऑफ बडिंग इंजीनियर्स ऑफ लो इनकम स्टेट्स बाय सेविंग टेक्यू फैकल्टीज, प्लीज हेल्प। ठीक है बताइए, अब बात रखिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 6 फरवरी 2013 को मोदी जी जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो उन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक स्टेटमेंट दिया था जिससे काफ़ी हम लोग इंस्पायर थे, और यहाँ पे जितने फैकल्टी होंगे सब लोग उस भाषण को सुने थे तो हम लोग काफ़ी इंस्पायर हुए थे कि हमारे देश को एक इंस्पिरेशनल लीडर मिल रहा है, और हैं भी। उन्होंने कहा था कि अपने देश के अनएम्प्लॉयमेंट पे पिछली गवर्नमेंट पे ताना कसते उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतने सारे आइडियाज़ हैं कि हम अपने यंग फैकल्टी को यहाँ से पूरे विश्व में टीचर की कमी होने जा रही है, ठीक, और हम चाहें तो अपने यंग फैकल्टी को, अपने यंग स्टूडेंट को ट्रेंड करके हम विश्व में टीचर को इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज उनके संज्ञान में, मोदी जी के संज्ञान में हमको लग रहा है कि ये बात आ ही नहीं रही, अगर उनको जानकारी होगी तो निश्चित है कि हमारी हमारा जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। आपकी बात समझ गया, मैं आपको एक सुझाव देता हुआ चलता हूँ, आपको एक सुझाव दे देता हूँ, जब भी पॉलिटिशियन की बात सुनिएगा ना तो एक कान को बंद कर दीजिएगा ऐसे करके, तब सुनिएगा। ऐसा नहीं है, ये मतलब इतना बड़े आदमी है, मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं होगा, वर्ल्ड लीडर है, उनके पास इतनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि उनके संज्ञान में बात नहीं है कि IIT NIT से ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड अगर टीचर रोड पे हैं उनके संज्ञान में आए तो निश्चित है कि हमारी समस्या का समाधान कुछ नहीं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। और मेन प्रॉब्लम मोदी जी तक हमको लग रहा है कि बात नहीं पहुंचे, अगर पहुंचे तो निश्चित है कि उसका समाधान शायद मिल जाए। ड्रीम प्रोजेक्ट था तो अब सपना टूट गया है क्या? इस तरह का प्लान उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि हम टीचर को ट्रेंड करके और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। अच्छा क्या तरीका है, अब क्या तरीका है कि मोदी जी तक ये बात पहुंचे, क्या तरीका है? अगर सामान्य नागरिक अगर मोदी जी तक बात पहुंचाना चाहेगा, आपको क्या लगता है क्या तरीका है उसका? मीडिया है और हम लोग हैं, अपने आपके ही थ्रू जा सकता है, आप लोग अगर प्रयास करें तो उनके पास पहुँचे मैसेज की हम लोग। इसके लिए मैं आपके मीडिया चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी मीडिया के माध्यम से भी मंत्री जी तक हमारी बात पहुँच पा रही है। इसके अलावा हम लोग जो हर रोज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत पत्र भी भेजे जा रहे हैं, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारी बात तो उन तक पहुँच रही है, लेकिन हमें इस बात से अभी तक तो थोड़ी सी निराशा है कि अभी तक माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, वो हमारे संरक्षक हैं, वो खुद एक अध्यापक रहे हैं, एक कवि रहे हैं, तो हमें ये भरोसा है कि वो हम शिक्षकों की बात जरूर सुनेंगे, वो हमसे जरूर मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए कितनी पॉजिटिव वाइब है, कितनी पॉजिटिविटी है, अभी भी हार नहीं मानी है, उम्मीद पूरी बरकरार है। और ऐसे में इनके साथ जब हम इनकी बात करते हैं तो सिर्फ 1554 फैकल्टी की बात नहीं करनी चाहिए, इनके साथ डायरेक्टली रिलेटेड जो छात्र हैं उनकी बात करनी चाहिए, वो कितने हो जाते होंगे मिलकर, ये सोचना भी यहाँ पर संख्या के रूप में मेरे लिए भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। जी, हमारे मित्रों ने जो बातें कही उसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगा, करोड़ों का प्रोक्योरमेंट हम लोगों ने किया है, नई मशीन्स लाए हैं, जो लाखों लाखों का एक मशीन है, उन सब मशीनों को हम लोगों ने चलाकर विद्यार्थियों को ट्रेन किया है, उसके बाद हमारे जाने के बाद जो नए फैकल्टी अभी तक नहीं आए हैं वो मशीनों का क्या होगा? सरकार ने एक एसेट्स तैयार किया है, हमारा ट्रेनिंग करवाया है IIM में, IITs में, वो एसेट्स तैयार करके क्या उन एसेट्स को नष्ट करना, ये कहीं से भी बुद्धिपूर्ण डिसीजन नहीं लग रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार इस पहलू को जल्द से जल्द ध्यान करेगी। ये देखिए यहाँ पर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण एक बातचीत दिखाता हूँ, अनफॉर्चुनेट है बहुत, IIT IIS NITs बेरोजगार, ये दोनों चीज़ें एक साथ भारत में, इससे बेहतर क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा बच्चा कहाँ पढ़कर आएगा कि कुछ अलग कर पाएगा, ये सोचिए आप। इन चीज़ों को देखना समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भारत जैसे मुल्क में जब हम रहते हैं, यहाँ पर शिक्षा को लेकर जब हम इतने ऊर्जावान नेताओं को देखते हैं, क्योंकि देखिए समझने की कोशिश करिए, इनकी पॉलिसीज़ में शिक्षा होती है, पॉलिसीज़ में शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे होते हैं, वादे होते हैं, मैनिफेस्टो में शिक्षा को लेकर बड़े बड़े बातें होती हैं, दावे होते हैं, लेकिन इनके कोर एजेंडे में कभी भी ये चीज़ नहीं हो पाती। ये चीज़ें इसलिए हम सीधे सीधे तौर पर साफ तस्वीरों के जरिए बता सकते हैं, क्योंकि ये जो आप मेरे आसपास जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सब लोग आप ध्यान से देखिए, और फिर इसके बाद ये जो कागज़ है, इस पर लिखी हुई जो चीज़ें हैं वो देखिए, ये है असली भारत, ये भारत की असली तस्वीरें बयां करता है। सिर्फ AC रूम में बैठकर GDP के बड़े बड़े आंकड़े फ्रलिश कर देने से कुछ नहीं होता, ये चीज़ जो है ये दिखाता है कि देश में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ माहौल है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी आवाज़ में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, धन्यवाद।